पाकिस्तान में लोग नए अकसाम के अमराज, वायरल और मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा। ये रेन मेजरमेंट के लिए काम करता है, रेन का रेट भी बता रहता है, साथ में ये विंड की डायरेक्शन हमें बता रहता है। विंड मेजरमेंट यहाँ से हो रही होती है, इसी में टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगी, ह्यूमिडिटी सेंसिंग डिवाइस। इसमें हमने कराची शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के टेम्परेचर बढ़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे हीट इंडेक्स इतना ज़्यादा गर्मियों में बढ़ जाता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होती है और लोग जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। हमारा जो वेदर स्टेशन है वो इस कॉन्सोल के थ्रू कनेक्टेड है, और ये कॉन्सोल जो है ऑनलाइन हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट है, जिसके थ्रू डेटा ऑनलाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पे नवंबर का जो एंड ऑफ द वीक है, यही जो लास्ट 10 डेज है नवंबर के, और फिर एक सर्दियां तो शुरू हो रही होती हैं, लेकिन बड़ी बीमारियां लोगों को मुतासर करती हैं। वायरस तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और अब बच्चे नज़ला खांसी बुखार, फिर वायरस की प्रॉब्लम ये होती है अगर एक घर में किसी को हो जाए तो फिर वो सबको हो जाता है, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर पाते। जैसे जैसे हमें जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो हम ले नहीं सकते। डायग्नोस्टिक से बिल्कुल रुझान हटा लिया वालदैन ने, जब तक डॉक्टर नहीं लिख के देगा वो ना वो टेस्ट करवाएंगे ना कुछ करवाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है या उसके बाद जॉन्डिस का टेस्ट वो करते हैं, पैर बताते हैं, और थायरॉयड का और ब्लड ग्रुप होता है, उसके बाद फिर हम कहते हैं एक साल पर कम अज़ कम आप विटामिन डी आयरन का टेस्ट जरूर करवा लें, CBC हीमोग्लोबिन हमें पता चले बच्चा कोई आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो नहीं है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आयरन हम बच्चों को नहीं दे रहे प्रॉपर तरीके से। ड्राई फ्रूट की इस मौसम में बड़ी नीड होती है, तो फैमिली के लिए इंसान खरीदता है लेता है, लेकिन रेट्स को जब देखते हैं तो कैसा लग रहा है आपको कि रेट जो है वो पिछले सालों वाला ही है या बहुत बढ़ गया? रेट काफ़ी बढ़ गया है, और मेरा ख्याल से इंसान मूंगफली सिर्फ खा सकता है वही पोष में, मुमकिन नहीं इंसान रोटी खाने वाली बात है, ड्राई फ्रूट कौन खाएगा भाई इस महंगाई में, बहुत मुश्किल है। सर्दी में लोग ज़्यादा क्या आइटम खरीदना पसंद करते हैं? ये काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये चीज़ें। इस मछली से आप ये अंदाजा कर लें कि एक तो ये खूबसूरती इसकी और इसकी जो ताकत और विटामिन्स और प्रोटीन्स है इसके अंदर, तो लोग सर्दी के अंदर इसको भी जरा प्रिपेयर करते हैं। मुर्गी खाओ, मछली खाओ, झींगा खाओ, क्या क्या तो ऐसी चीज है कि ये 12 महीने खानी चाहिए, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी आए, तूफान आए। ये 1500 रुपए किलो है नाजरीन, ये 3000 रुपए किलो है। मछलियाँ हो, अंडे हो देसी या देसी मुर्गियाँ या ड्राई फ्रूट हो, इस वक्त पब्लिक के लिए मौसम सरमा में किसी सौगात से कम नहीं है। देखिए प्रोग्राम आवाज हर हफ्ते की शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर।